यूनान था कभी, खो गया। मिस्र था कभी, खो गया। बेबीलोन था कभी, खो गया। कितनी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारत, जिसकी परंपरा इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। मार्क ट्वेन लिखते हैं, भारत मानव जाति का पालना है। ये वो स्थान है जहां मानव भाषा का जन्म हुआ। भारत की धरती मानव इतिहास की माँ है। ये महान गाथाओं की दादी है और परंपराओं की परदादी है। भारत मानव इतिहास की सबसे कीमती और सबसे रचनात्मक चीजों का खजाना रहा है। इस वीडियो में हम भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़ी 7 इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। नंबर 1, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि भारत का शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन बसाए गए शहरों में से एक है, जो आज भी अपने वजूद में है। इसे बनारस भी कहा जाता है और ऋग्वेद में इसे काशी कहा गया है। वैसे बनारस को कम से कम 3000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार भगवान शिव ने 5000 साल पहले इस शहर की स्थापना की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध काशी आए थे, उस वक्त भी इसे द एंशिएंट सिटी कहा जाता था। हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थानों में से काशी को सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि जैन और बौद्ध धर्म में भी काशी एक बेहद पवित्र स्थान है। नंबर 2, तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसको ईसा से 700 साल पहले प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। आजकल ये जगह पाकिस्तान में मौजूद है। तक्षशिला में विश्व भर के 10,500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। साइंस, मैथ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, रिलीजन और फिलोसफी जैसे 60 से भी ज्यादा विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। अलग अलग विषयों के स्कॉलर्स ने अपने अपने आश्रम यहाँ बना रखे थे। हमारे मशहूर इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला में आचार्य थे। चाइनीज ट्रैवलर फाहियान जब 5वीं सदी की शुरुआत में भारत आए थे, तो उन्होंने तक्षशिला को भी विजिट किया था। अपनी राइटिंग्स में उन्होंने तक्षशिला का जिक्र भी किया है। 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी तक भारत का ये महान विश्वविद्यालय अच्छी तरह फला फूला। 6ठी सदी आते आते विदेशी हमलावरों ने तक्षशिला को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नंबर 3, शिक्षा के मामले में आज भारत भले ही दुनिया के बहुत से देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करती थी। नालंदा तक्षशिला से भी वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की जैसे देशों से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम बेहद मुश्किल होता था। चुनिंदा प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स ही प्रवेश पा सकते थे। नालंदा के बारे में आज हमें जो ज्यादा जानकारी मिलती है, वो फेमस चाइनीज ट्रैवलर्स ह्वेन त्सांग और इत्सिंग की राइटिंग्स से मिलती है, जो 7th सेंचुरी में यहाँ आए थे। ह्वेन त्सांग ने अपनी भारत यात्रा के 2 साल नालंदा में बिताए थे। शुरुआत में वो एज अ स्टूडेंट यहाँ रहे, फिर बाद में उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी। ह्वेन त्सांग लिखते हैं कि जब वो नालंदा आए थे, उस वक्त वहाँ 10,000 स्टूडेंट्स थे और 1510 आचार्य थे। ये अनुमान लगाया जाता है कि एक समय में हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट नालंदा के हेड थे। नालंदा में हजारों स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के अध्ययन के लिए एक विशाल लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें थीं। 12वीं सदी के अंत में तुर्की हमलावर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। किसी जमाने में नालंदा एक भव्य यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, आजकल बस उसके खंडहर ही शेष बचे हैं। नंबर 4, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जन्म से ही भारत का इतिहास शुरू हुआ माना जाता है।
ये दुनिया की तीन सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। मेसोपोटामिया, एंशंट इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर इसे एंशंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से कंपेयर करें तो इंडस वैली सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन थी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय के लिए एक बेहद एडवांस्ड सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह माना जाता है कि यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी, लेकिन नई डिस्कवरीज ये बताती हैं कि यह सभ्यता कम से कम 8000 साल पुरानी हो सकती है। 1920 तक हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 1920s में जब इंडिया के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडस वैली में खुदाई की तो वहां इस सभ्यता के दो पुराने शहरों मोहनजोदारो और हड़प्पा के अवशेष मिले थे। इसके बाद ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये दोनों साइट्स अब पाकिस्तान में हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी तक बहुत ही कम जानकारी मिल पाई है और बहुत से प्रश्नों का जवाब मिलना अभी बाकी है। नंबर 5, जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था। दो महान इंडियन मैथमेटिशियंस ब्रह्म गुप्त और आर्यभट्ट को जीरो के आविष्कार के लिए क्रेडिट दिया जाता है, और जिनको आज दुनिया अरबिक न्यूमरल्स कहती है, इनका आविष्कार अरब में नहीं हुआ था बल्कि 6th और 7th सेंचुरी में इनको इंडियन मैथमेटिशियंस ने इन्वेंट किया था। अरब और फारस के लोग इनको हिंदू न्यूमरल्स कहते थे। अल किंदी, जो कि अरब के मैथमेटिशियंस थे, और अल ख्वारिज्मी, जो कि फारस के मैथमेटिशियन थे, इन दोनों की राइटिंग्स के जरिए ही ये भारतीय न्यूमरल सिस्टम यूरोप तक पहुंचा था, और इसीलिए बाद में यूरोपियंस इनको अरबिक न्यूमरल्स कहने लगे थे। आइंस्टाइन लिखते हैं, हम भारतीयों के बेहद ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। नंबर 6, सर्जरीज कितनी मुश्किल होती हैं, और अगर आप एक ऐसे जमाने में हों जब स्कैल्पल का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज से 2600 साल पहले एक एंशंट इंडियन फिजिशियन सुश्रुत बेहद कॉम्प्लेक्स सर्जरीज किया करते थे, जैसे कैटरेक्ट, किडनी स्टोन्स, आर्टिफिशियल लिम्प्स, रेक्टिफाइंग फ्रैक्चर्स और इवन प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत को पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने इंसानों पर सबसे पहले मेडिकल सर्जरी परफॉर्म की, इसीलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पर एक संस्कृत ग्रंथ लिखा था जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है। सुश्रुत संहिता को चिकित्सा पर लिखा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वाइविंग एंशंट ट्रीटस माना जाता है, और इसे आयुर्वेद का फाउंडेशनल टेक्स्ट भी माना जाता है। सुश्रुत संहिता में 184 चैप्टर्स हैं जिनमें जिक्र मिलता है 1120 बीमारियों का, 700 मेडिसिनल प्लांट्स का, 64 प्रेपरेशंस फ्रॉम मिनरल सोर्सेज और 57 प्रेपरेशंस बेस्ड ऑन एनिमल सोर्सेज। इसके अलावा बहुत से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दर्शाए गए हैं। 8वीं सदी में सुश्रुत के इस महान ग्रंथ को किताब शाह शुन अल हिंदी नाम से अरबी भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया था। एक और महान एंशंट इंडियन फिजिशियन थे महर्षि चरक, जो सुश्रुत के बाद और ईसा से 200 साल पहले हुए थे। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। चरक को पहला फिजिशियन माना जाता है जिसने डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को सामने रखा। महर्षि चरक की मेडिकल ट्रीटस चरक संहिता को आयुर्वेद की एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। नंबर 7, अगर भारत के इतिहास में झांकें तो वो बेहद वैभवशाली नजर आता है। ब्रिटिश रूल से पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हुआ करता था, या संभवतः सबसे अमीर देश। यूं ही नहीं, ये देश विश्व भर में सोने की चिड़िया कहलाता था। अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस देश की मैसिव वेल्थ ने ही इतने इन्वेडर्स को यहां आकर्षित किया। हैरानी की बात है कि इस देश को खोजने की चाहत ने अमेरिका की खोज करवा दी। कोलंबस,
जो भारत के लिए निकला था और गलती से अमेरिका पहुंच गया, और कोलंबस के महज कुछ साल बाद ही वास्को डी गामा भारत की जमीन पर कदम रखने वाला पहला यूरोपियन बना। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। मैं अगली वीडियो में